हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग 3 मार्च 2021 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज 4 मार्च है तो एक दिन पहले के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। और डेली जो करंट अफेयर्स की सीरीज ये चल रही है, आपने देखा होगा कि पूरा कम्प्लीट फरवरी मंथ का आपको डेली करंट सीरीज अवेलेबल कराएगी अभी दीप्ति मैम के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग हेडलाइंस देखेंगे, हेडलाइंस के बाद उसका कंप्लीट डिटेल करेंगे। और आज का जो ये करंट अफेयर्स है ये ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आज कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी हैं, कुछ नए घटनाक्रम भी इसमें शामिल किए गए हैं जो आपके पर्यावरण और भूगोल से संबंधित है। और ये जो करंट होता है ये आपका, आप GIC का पेपर देने वाले हैं, GIC में पूछा जाएगा, UPPCS में भी पूछा जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो 30 क्वेश्चन होगा यहाँ पे भी करंट अफेयर्स आपका कम से कम 4 से 6 प्रश्न करंट का रहेगा। ठीक, तो करंट जो है कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए तो करंट ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ का ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे आते तो 6 मंथ के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो करंट के क्वेश्चन होते हैं ये 3 to 4 मंथ के विद इन इसी के अंदर वाले ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो वही यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं मेन हेडलाइंस क्या है कि तीसरी जन औषधि दिवस समारोह 1 मार्च से शुरू हुआ, 45वां नागरिक लेखा दिवस वर्चुअल मोड द्वारा पहली बार मनाया गया। तीसरा जो पॉइंट है, विश्व वन्य जीव दिवस जो 3 मार्च को मनाया गया। रूस ने अंटार्कटिका की जलवायु की निगरानी करने वाला पहला उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया। क्या नाम है? रूस का जो पहला उपग्रह है आर्टिका M, जो कहाँ की निगरानी करेगा? आर्कटिक की जो क्लाइमेट है। ओडिशा को 2020-21 के लिए भारतीय महिला लीग की मेज़बानी करने के लिए चुना गया। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण की मंजूरी दी है। भारतीय वायुसेना पहली बार डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास में भाग लेगा। सरकार ने नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी दे दी है। नाग नदी का डिस्क्रिप्शन हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। सरकार ने नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी दी। लोकसभा TV और राज्यसभा TV का विलय संसद TV में हो गया, यानी कि अब जो हम लोग LS TV और RS TV देखते थे, अब ये कौन सा TV हो जाएगा? ये संसद TV हो जाएगा। तो ये इसमें विलय कर दिया गया है। अमेरिका ने एलेक्स नवेलनी को जहर देने के मामले में रूस पर नए प्रतिबंध लगाए। जापान ने पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप पर चीन के दावे को खारिज किया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बोर्ड यानी कि BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बोर्ड ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL की हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। मट्टम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये रहा है मेन पॉइंट जो हम लोगों को आगे डिस्कस करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि तीसरी जन औषधि दिवस समारोह 1 मार्च से शुरू हुआ। तृतीय जन औषधि दिवस समारोह 1 मार्च से शुरू हुआ और यह 7 मार्च तक जारी रहेगा। इस अवसर पर पूरे भारत में जन औषधि केंद्रों द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया। 7 मार्च 2021 को ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया द्वारा तीसरा जन औषधि दिवस मनाया गया, जिसका थीम था सेवा भी रोजगार भी। याद रखिएगा, जन औषधि दिवस का जो थीम था वो सेवा भी है रोजगार भी। हर साल जन औषधि दिवस मनाया जाता है। BPPI प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP को लागू करने वाली एजेंसी है। ठीक, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा जारी एक पहल है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जो जन औषधि परियोजना है यह किस मंत्रालय के अधीन काम कर रही है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन काम कर रही है। कौन सा डिपार्टमेंट है? तो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है। 45वां नागरिक लेखा दिवस वर्चुअल मोड में पहली बार मनाया गया। 1 मार्च 2021 को 45वां नागरिक लेखा दिवस वर्चुअल मोड में पहली बार मनाया गया। हर साल यह 1 मार्च को नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च 1976 को केंद्रीय लेखा विभाग
का विभागीकरण 1976 लागू किया गया जो एक्ट था। निर्मला सीतारमण समारोह की मुख्य अतिथि थी। उन्होंने पुष्टि की कि ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम TSA को पहले चरण में 15 स्वायत्त निकायों में लॉन्च किया गया। उन्होंने बताया कि सिविल अकाउंट्स संगठन अगले स्वतंत्रता दिवस तक TSA को 40 स्वायत्त निकायों में विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक परीक्षक यानी CGA भारतीय सिविल लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं। तीसरा पॉइंट है विश्व वन्यजीव दिवस जो मनाया गया 3 मार्च को। हर साल यह 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और विश्व वन्यजीव दिवस 2021 का जो थीम था वह है वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका जो थीम है वन्यजीव दिवस का तो वो है वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह। विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता, सहयोग और समन्वय स्थापित करना है। तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता, सहयोग और समन्वय स्थापित करना है। यह 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता जिसे साइट्स कहा गया पर हस्ताक्षर करने का प्रतीक है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNO ने अपने 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अब देखिए कब से, ये आपका 2013 से। इस वर्ष का जो विषय है SDG 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका देखिए UGC नेट फर्स्ट पेपर के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे SDG और MDG से रिलेटेड एक प्रश्न श्योर रहता है कि वहाँ पे आपका पूछा जाना होता है। तो SDG का जो टारगेट है इसमें टोटल, तो ये इसमें नंबर 1 जो है इसका टारगेट लक्ष्य जो है, तो पहला है कि सभी रूपों में जो गरीबी है उसको समाप्त करना है। इस वर्ष का जो टारगेट इन्होंने रखा है SDG 12 में क्या है कि जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, याद रखिएगा डायरेक्ट यही प्रश्न देता है। SDG 1 में क्या है, SDG 12 में क्या है, SDG 13 में क्या है कि क्लाइमेट एक्शन है, और SDG 15 में है भूमि पर जीवन वनों का सतत प्रबंधन के साथ संरक्षित करता है, याद रखिएगा इसको। रूस ने आर्कटिक की जलवायु की निगरानी करने वाला पहला उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया। जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए पहला उपग्रह आर्टिका एम है, किसने लॉन्च किया, रूस ने लॉन्च किया। आर्टिका एम उपग्रह के साथ वाहक रॉकेट सोयूज 2.1B को कजाकिस्तान के बैकानूर कास्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। यह उपग्रह रूस के उत्तरी क्षेत्र और आर्कटिक महासागर के समुद्रों की निरंतर निगरानी प्रदान करेगा। निगरानी प्रणाली को कम से कम 2 उपग्रहों की आवश्यकता होगी। दूसरे उपग्रह को 2023 में लॉन्च करने की योजना है। यहाँ पे आर्कटिक क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखिए। ये पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में एक उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है। आर्कटिक महासागर निकटवर्ती समुद्र अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन, इनका ये आर्कटिक क्षेत्र का ये हिस्सा है। ग्लोबल वार्मिंग आर्कटिक सागर बर्फ के संकुचन यानी पिघलने से रिलेटेड है। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के पिघलने मीथेन गैस के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख लक्ष्यों में से एक आर्कटिक क्षेत्र का आर्थिक विकास भी है। इस क्षेत्र में तेल और गैस का विशाल भंडार है जिसे खोजा जाना ही उनका लक्ष्य है। आप जानते हैं कि वर्तमान में जो पहले से रिजर्व खोजे जा चुके हैं उन रिजर्वों की एक सीमित मात्रा है और ये मान्यता है कि 2070 तक कोयला, तेल, पेट्रोल ये सब समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए हमें एक नए वैकल्पिक स्रोतों की खोज करनी है जो हम अंटार्कटिका आर्कटिक महासागर जहाँ पे सैकड़ों मीटर मोटी परत है किसकी, बर्फ की, उसके नीचे रिसोर्स दबे पड़े हैं और उन्हीं की निगरानी करना है, उन्हीं का शोधन करना है, उन्हीं से हमें रिसोर्स अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित और सुरक्षित करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्कटिक महासागर का फिगर भी इंक्लूड किया गया है। ठीक, यहाँ भी बात किया गया कनाडा हो गया, इधर ग्रीनलैंड आपका है, ठीक, इधर नॉर्वे है, ये रसिया है, तो ये आपका आर्कटिक है टोटल पार्ट।
ओडिशा को 2021 भारतीय महिला लीग की मेजबानी करने के लिए चुना गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की है कि ओडिशा 2021 हीरो भारतीय महिला लीग की मेजबानी करेगा। यह IWL का 5वां संस्करण होगा। IWL के पहले संस्करण की मेजबानी ओडिशा के द्वारा 2016 में की गई थी। ओडिशा सरकार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का रणनीतिक साझेदार भी है। भारत 2022 में AFC महिला एशिया कप और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की भी मेज़बानी करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आपकी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि UPSC में ये पूछा गया है कि महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा, तो महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी भारत करेगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, ठीक, भारत 2022 में AFC महिला एशिया कप का भी मेज़बानी करेगा। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ क्या है, ये AIFF क्या है? तो AIFF एक फुटबॉल का शासी निकाय है जो 23 जून 1937 को स्थापित किया गया था। AIFF के वर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। AIFF का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण की मंजूरी दी है, अर्थात कि हरियाणा राज्य में जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की नौकरियाँ निकलेगी, उसमें 75% जो रिजर्वेशन है वो वहाँ के लोगों को मिलेगा। 25% अदर स्टेट के लोग भी शामिल हो सकते हैं। यह रोजगार विधेयक 2020 को हरियाणा के राज्यपाल ने स्वीकृति भी दे दी है। हरियाणा विधानसभा ने पिछले साल इस विधेयक को पारित किया था। यह 50,000 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाले निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करता है। नया आरक्षण कानून शुरू में 10 साल के लिए लागू होगा। इसमें कानून के उल्लंघन के लिए दंड के प्रावधान भी किए गए हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देना है और राज्य में प्रवासियों की आमद को हतोत्साहित भी करना है। निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियों को आरक्षित करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा यह भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से घिरा हुआ है। इसके 22 जिले हैं और इसकी राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़ है, जो एक प्रकार से यूनियन टेरिटरी भी है। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय वायुसेना पहली बार डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास में भाग लेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार है। पहली बार भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में अल दफरा एयरबेस पर डेजर्ट फ्लैग 6 युद्धाभ्यास में भाग लेगी। डेजर्ट फ्लैग 6 यूनाइटेड अरब अमीरात वायुसेना का एक वार्षिक युद्धाभ्यास है। संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना भी इस अभ्यास में भाग लेंगी। डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास का आयोजन फारस की खाड़ी में क्षेत्र में 3 से लेकर 27 मार्च तक आयोजित किया जाना, यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। भारतीय वायुसेना के 6 सुखोई SU-30 MKI और 2 C-17 और 1 IL-78 टैंकर के विमानों के साथ भाग ले रहे हैं। यह प्रतिभागियों को ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करने का और परिचालन क्षमताओं का, अंतर क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर देगा। एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल भी भारत और UAE के बीच एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार ने नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब ये कहाँ पे है? नागपुर में है नाग नदी। अब ध्यान दीजिएगा कि नाग नदी नागपुर में बहने वाली अशोधित मैले पानी और औद्योगिक कचरे के उपचार के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। विश्व बैंक के अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक के बाद नितिन गडकरी के द्वारा नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना की घोषणा की गई। परियोजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के हिस्से के रूप में अनुमोदित किया गया और इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 2,117 करोड़ रुपये होगी। यह नाग नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद मिलेगा। नाग नदी जो वाड़ी के पास लावा पहाड़ियों में इसका उद्गम होता है। यह कन्हा पेंच नदी प्रणाली का ही हिस्सा है। यह महाराष्ट्र के नागपुर शहर से होकर बहती है और नवंबर 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा नाग नदी कायाकल्प को मंजूरी दी गई थी।
ठीक, यानी नाग नदी कहाँ पे, आपका नागपुर में है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया, इसको मर्ज करके संसद टीवी बना दिया गया है। अब इन दोनों को संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। विलय की योजना को 2019 में सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि क्योंकि ये नई चीज़ें हुई हैं, RSTV और LSTV, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी बनाया गया, जिसका सीईओ रवि कपूर हैं। संसद टीवी दोनों सदनों की कार्यवाहियों के दौरान अलग अलग चैनलों पर ऊपरी और निचले सदनों की कार्यवाही का प्रसारण करेगा। लोकसभा टीवी 2006 में शुरू किया गया, जबकि राज्यसभा टीवी 2011 में लॉन्च किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और राज्यसभा टीवी में जो देश देशांतर कार्यक्रम आता है उसको आप लोग ज़रूर देखा करें। अभी जो पिछला देश देशांतर का कार्यक्रम हुआ ये समुद्री अर्थव्यवस्था पे था और भारत से उसका संबंध देखा गया था। अमेरिका ने एलेक्स नवेली को जहर देने के मामले में रूस पर नए प्रतिबंध लगाए। अमेरिका सरकार ने विरोधी नेता एलेक्स नवेलनी को जहर देने के मामले में रूस पर एक प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी प्रशासन ने 7 रूसी सरकारी अधिकारियों और 14 रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। यूरोपीय संघ के साथ मिलकर जो बाइडेन प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ एलेक्स नवेलनी को जेल से रिहा करने की मांग भी कर रहे हैं। आखिर ये एलेक्स नवेलनी है कौन? तो एलेक्स नवेलनी रूस के विपक्षी नेता और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता हैं। वह रूस फ्यूचर पार्टी की नेता और एंटी करप्शन फाउंडेशन की भी संस्थापक हैं। जापान ने पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप पर चीन के दावे को खारिज किया। जापान ने पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीप सेनकाकू पर चीन के दावे की आलोचना की और खारिज कर दिया। जापान रक्षा मंत्री किशी नोबुओ ने पुष्टि की है कि सेनकाकू द्वीप जापानी क्षेत्र का एक अंतर्निहित हिस्सा है और सेनकाकू द्वीप पर चीनी दावा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना गया है। यानी कि जो पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप पर है उस पर जो चीन अपना दावा स्थापित कर रहा था उसे जापान ने खारिज कर दिया है। इससे पहले चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सेनकाकू द्वीप चीन का एक अंतर्निहित क्षेत्र है, जिसे सेनकाकू द्वीप के पास तटरक्षकों की गतिविधियों को उचित ठहराया गया। जापान सरकार ने जापान तटरक्षकों को किसी भी जबरदस्ती घुसने के प्रयास के खिलाफ हथियार का उपयोग करने के लिए अधिकृत कर दिया है। हाल ही में चीन सरकार ने एक कानून पारित किया है जो चीन के तटरक्षकों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर हथियार का उपयोग करने की अनुमति भी देता है। सेनकाकू द्वीप है क्या? यह ओत्सुरी, मिनामिकोजिमा और किताजोकिमा द्वीप का एक समूह है, जिसमें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओयू को नाम से जाना जाता है। जापान में किस नाम से? सेनकाकू, और चीन में डियाओयू के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सेनकाकू द्वीप जापान के नियंत्रण में है, लेकिन चीन और ताइवान उन पर धावा करते रहते हैं। इसकी कानूनी स्थिति भी अभी विवादित है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बोर्ड ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL की हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 61.65 हिस्सेदारी यानी 60% से अधिक हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने 9,875 करोड़ रुपये में हिस्सेदारी को आयल इंडिया लिमिटेड इंजीनियर्स लिमिटेड असम सरकार को बेचने की मंजूरी दी है। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के निजीकरण के लिए सरकार को कई अभिव्यक्तियां प्राप्त हुईं। BPCL एक महारत्न तेल शोधन और विपणन कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी का स्वामित्व नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पास है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और आयल इंडिया और असम सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है। मट्टम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। 1 मार्च 2021 तक केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में ये इन्होंने कार्य किया। उन्होंने 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया और मई 2020 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में नियुक्ति दी गई। बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा उनके नाम की सिफारिश हुई। उन्हें MD पल्लव महापात्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया। MD पल्लव महापात्रा 28 फरवरी 2021 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में सेवानिवृत्त हुए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो यहाँ पे इतना ही हम लोग देखेंगे।
और इसी तरह से आप देखिए कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स का तो ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके लिए कंप्लीट डिटेल अवेलेबल कराया जाता है जो भी रहे करंट से रिलेटेड। ठीक, तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।